नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी खबर जिसके सच हो जाने पर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की तस्वीर बदल सकती है। छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, इन चारों जिलों को, यहाँ के रोजगार क्षेत्र को एक बड़ी सौगात मिल सकती है, लेकिन इस काम के शुरू होने में फिलहाल अभी वक्त है। हम बात कर रहे हैं छतरपुर जिले के बक्सवाहा क्षेत्र में स्थित हीरे की बड़ी खदान बंदर प्रोजेक्ट की, जिसको लेकर अब तेजी से काम हो रहा है। बिरला ग्रुप ने कमलनाथ सरकार के टाइम पीरियड में इस खदान में उत्खनन की मंजूरी हासिल की थी। बताया गया है कि बक्सवाहा में स्थित इस खदान में लगभग 60,000 करोड़ रुपए के हीरे प्राप्त हो सकते हैं, जो जेम क्वालिटी के हीरे हैं और पूरे एशिया में सबसे महंगे हीरों वाली यह खदान बनेगी। इस खदान को लेकर क्या अपडेट है और कब तक इसकी शुरुआत हो सकती है, देखिए इस रिपोर्ट। छतरपुर जिले के बक्सवाहा में लगने वाली एशिया की सबसे कीमती जेम क्वालिटी के हीरे की खदान 2022 के आखिर तक शुरू हो सकती है। लगभग 60,000 करोड़ रुपए के हीरे उगलने वाली इस खदान में उत्खनन की मंजूरी मध्य प्रदेश सरकार ने बिरला ग्रुप को दी थी। बिरला ग्रुप उत्खनन के पहले सभी अनुमतियों को हासिल करने में जुटा है। अब खबर है कि छतरपुर से सभी अनुमतियां लेने के बाद वन एवं पर्यावरण मंत्रालय दिल्ली से पर्यावरण मंजूरी के लिए फाइल दिल्ली भेजी गई है। उल्लेखनीय है कि बक्सवाहा में 364 हेक्टेयर वन भूमि पर हीरे का खनन होना है। वन विभाग से उक्त जमीन हासिल करने के लिए सरकार को राजस्व क्षेत्र की इतनी ही जमीन, इस पर लगे लाखों पेड़ों की कटाई का खर्च, पेड़ों की कीमत और नई जमीन पर पेड़ों को उगाने का खर्च वन विभाग को देना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि बक्सवाहा के पास डायमंड खदान के बंदर प्रोजेक्ट के लिए बिरला ग्रुप के माइनिंग प्लान को इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ने मंजूरी दे दी है। बंदर हीरा खदान 364 हेक्टेयर वन भूमि पर लगाई जानी है। इसके लिए बिरला ग्रुप का खनन परियोजना का माइनिंग प्लान पास हो गया है। बिरला ग्रुप वन भूमि के बदले जमीन और प्लांटेशन की प्रक्रिया पूरी करने में जुटा है। सरकार ने कंपनी को 3 साल तक के लिए वन एवं पर्यावरण की स्वीकृति सहित अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने का समय दिया है। कंपनी को ये लीज 50 साल के लिए दी गई है। कंपनी जिस गति से प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, ऐसे में 3 साल बाद खनन की योजना समय से पहले शुरू हो सकती है। वर्तमान में औपचारिकताओं को पूरा करने की रफ्तार के अनुसार 1.5 साल में बंदर प्रोजेक्ट से हीरा खनन शुरू होने की संभावना है। आपको बता दें कि शिवराज सिंह सरकार के समय यानी 2018 के पहले रियो टिंटो बक्सवाहा की इस बंदर प्रोजेक्ट पर खनन की अनुमति मांग रहा था, लेकिन तब उसे खनन की अनुमति नहीं मिल सकी थी, जिसके बाद कमलनाथ सरकार के समय बिरला ग्रुप को खनन की अनुमति प्राप्त हुई। बिरला ग्रुप इस डायमंड खदान पर उत्खनन शुरू करने के लिए तेजी से काम कर रहा है और इसके लिए उसने यहां मौजूद रियो टिंटो की छोड़ी हुई संपत्ति भी हासिल कर ली है। बिरला ग्रुप रियो टिंटो के डायमंड फिल्टर प्लांट के जरिए मिट्टी से हीरे की छनाई करेगा। इसके अलावा 100 कमरों के गेस्ट हाउस को अपने कार्यालय के रूप में उपयोग करेगा। बिरला ने खनिज विभाग से रियो टिंटो द्वारा विभाग को सौंपी गई DMS यूनिट, गेस्ट हाउस, 10 हेक्टेयर जमीन 5 करोड़ रुपए देकर 2020 फरवरी में ही हासिल कर ली है। छतरपुर के जिला खनिज अधिकारी अमित मिश्रा ने बताया कि पर्यावरण मंजूरी के लिए फाइल दिल्ली भेजी गई है। इस पर जल्द ही सैद्धांतिक मंजूरी मिलने की उम्मीद है। तदुपरांत वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की टीम खर्च का मूल्यांकन करेगी। खनन कार्य नियत समय पर प्रारंभ करने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर इस खबर को देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। हम गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।